सीरीज ऑफ गेम थ्योरी के सेवंथ वीडियो में आपका स्वागत है। मैं इस वीडियो में गेम थ्योरी का ऐसा प्रॉब्लम बताऊंगा जिसको अल्जेब्रिक मेथड से सॉल्व किया जाएगा। इसके पहले मैं गेम थ्योरी पर 6 वीडियोज अपलोड कर चुका हूं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से उसको देख सकते हैं या ऊपर आ रहे आई बटन को भी प्रेस करके आप उसके प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। तो हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल MA क्लासेज, मैं हूँ सुनील कुमार। इस चैनल पर मैं हायर मैथमेटिक्स का ही वीडियो लेकर के आता हूं। आप यदि हायर मैथमेटिक्स सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी ऑन कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आपको मिलते रहे। और यदि वीडियो पसंद आता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। फ्रेंड्स, ये एक क्वेश्चन है कि द पे ऑफ मैट्रिक्स 4A इन ए 2% 0 सम गेम। 2% 0 सम गेम है जिसका A के लिए पे ऑफ मैट्रिक्स यहाँ पर दिया हुआ है। तो द पे ऑफ मैट्रिक्स 4A इन ए 2% 0 सम गेम इज गिवन बिलो। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द गेम एंड द ऑप्टिमम स्ट्रेटजी फॉर बोथ प्लेयर्स। हम लोग को वैल्यू ऑफ द गेम डिटरमाइन करना है और ऑप्टिमम स्ट्रेटजी पता करना है दोनों प्लेयर के लिए। तो प्लेयर ए का के लिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 3 प्योर स्ट्रेटजीज है और बी प्लेयर के लिए भी 3 प्योर स्ट्रेटजी है। ये पे ऑफ मैट्रिक्स हो गया। तो सबसे पहले हम लोग जब सॉल्यूशन करते हैं तो सॉल्यूशन करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग सेडल पॉइंट निकालते हैं। तो सेडल पॉइंट अगर एग्जिस्ट करता है तो उस तरीके से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ये सारे पर वीडियो अपलोड किया हुआ है, 6 वीडियो जो मैं गेम थ्योरी पर अपलोड किया हूँ, आप उसको पहले देख लीजिए। अगर आप उसको देख चुके हैं या गेम थ्योरी के बारे में पता है तो आप इसको कंटिन्यू कीजिए। अगर नहीं जानते हैं तो उसको पहले देखिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा तो ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा। इसका सेडल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता है। तो जब सेडल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करेगा तो ये प्योर स्ट्रेटजी नहीं होगा यहाँ पर, ये मिक्स्ड स्ट्रेटजी होगा दोनों प्लेयर के लिए। तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसके बाद डोमिनेंस रूल अप्लाई करते हैं। तो डोमिनेंस रूल से इसका साइज को रिड्यूस करते हैं। तो साइज को रिड्यूस करके 2x2 ऑर्डर में हम लोग इसको कन्वर्ट करते हैं। तो डोमिनेंस रूल अप्लाई करके देखते हैं कि डोमिनेंस रूल अप्लाई हो सकता है कि नहीं। तो डोमिनेंस रूल में क्या होता है कि सबसे पहले हम लोग देखते हैं रो को दूसरे रो के साथ कंपेयर करते हैं कि यदि किसी एक रो का प्रत्येक एलिमेंट दूसरे रो के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से या लेस देन हो या इक्वल टू हो, तो जिसमें लेस देन होता है उस रो को हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं, उसको डिलीट कर देते हैं। तो आप देखिए -1 तो यहाँ 1 से छोटा है लेकिन 2 जो है वो -2 से बड़ा है, यानी कि इस रो का प्रत्येक एलिमेंट इस रो के प्रत्येक एलिमेंट से स्मॉलर नहीं आ रहा है या इक्वल नहीं आ रहा है। ये तो लेस देन है लेकिन ये ग्रेटर देन है, तो यानी कि ये डोमिनेट नहीं करेगा दूसरे को। ये देखते हैं इसके साथ कंपेयर करते हैं। तो 3 से ये तो स्मॉलर है, 4 से ये स्मॉलर है लेकिन -3 से ये ग्रेटर हो गया, तो यहाँ पर ये भी डोमिनेट नहीं कर रहा है इसको। फिर थर्ड को हम लोग सेकेंड को देखते हैं थर्ड से कि सेकेंड जो है वो थर्ड को डोमिनेट कर रहा है कि नहीं। तो 1 जो है वो 1 3 से छोटा है, -2 भी 4 से छोटा है लेकिन 2 बड़ा है -3 से, तो कोई भी एक रो जो है वो दूसरे रो को डोमिनेट नहीं कर रहा है। फिर हम लोग एवरेज में भी देखते हैं कि एवरेज जो है दो रो का एवरेज जो है वो तीसरे रो को डोमिनेट कर रहा है कि नहीं, या नहीं दो रो का एवरेज जो है वो तीसरे से बड़ा हुआ आता है या नहीं आता है। तो ये दोनों का आप एवरेज निकालिए, फर्स्ट और सेकेंड का आप एवरेज निकालिए। तो फर्स्ट और सेकेंड का एवरेज निकालेंगे, -1 + 1 0, 0 में 2 से डिवाइड करेंगे 0 आएगा, ये दोनों का सम करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो 0। एवरेज निकालने के लिए दोनों का सम करके 2 से डिवाइड कर रहे हैं, ये दोनों का सम करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो 1.5 आएगा। अब ये थर्ड से आप कंपेयर कीजिए तो ये जो है वो 0.3 से छोटा है, ये 0 इससे छोटा है लेकिन ये जो है वो इससे बड़ा है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये भी जो है वो दूसरे को डोमिनेट नहीं कर रहा है। तो इस तरीके से आप एवरेज वाला भी चेक कर सकते हैं, कोई भी डोमिनेट नहीं करेगा। कॉलम में भी चेक कीजिए कि कोई भी कॉलम जो है वो दूसरे कॉलम को डोमिनेट कर रहा है कि नहीं। तो कॉलम को चेक करने के लिए हम लोग देखते हैं कि किसी भी एक कॉलम का प्रत्येक एलिमेंट दूसरे कॉलम के करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट से बड़ा होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर 2 जो है वो -1 से बड़ा है लेकिन -2 छोटा है यानी डोमिनेट नहीं कर रहा है। यहाँ पर 1 बड़ा है -1 से और 2 भी बड़ा है 1 से लेकिन -3 3 से छोटा है, ये भी डोमिनेट नहीं कर रहा है।
इसी तरीके से इसको देखिए, 2 को 1 से कंसीडर कीजिए, 2 बड़ा है 1 से, लेकिन माइनस 2 छोटा है, तो कॉलम भी यहाँ पर डोमिनेट नहीं कर रहा, एवरेज भी निकाल करके देख सकते हैं। तो ना तो सेडल पॉइंट है, ना ही डोमिनेंस रूल यहाँ पर अप्लाई हो सकता है। तो डोमिनेंस रूल अगर अप्लाई हो जाता है तो इसका साइज हम लोग रिड्यूस कर देते हैं। तो अब देखिए फिर तीसरा तरीका क्या होता है, ग्राफिकल मेथड होता है। तो ग्राफिकल मेथड में भी क्या होता है कि वो या तो दो रो होना चाहिए, 2 by m ऑर्डर का होना चाहिए या n by 2 ऑर्डर का होना चाहिए, या तो दो रो होना चाहिए या दो कॉलम होना चाहिए, तभी ग्राफिकल मेथड हम लोग यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर 3 रो है, 3 कॉलम है, या तो दो रो या दो कॉलम होना चाहिए तभी ग्राफिकल मेथड यूज होता है, तो यहाँ पर ग्राफिकल मेथड भी यूज नहीं हो सकता है। यानी कि जो भी हम लोग पहले पढ़े हैं उस मेथड से इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता है, ना तो सेडल पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है, ना इसको डोमिनेंस रूल से हम लोग इसको 2 by 2 ऑर्डर में रिड्यूस कर सकते हैं, और ना ही ग्राफिकल मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हमारे पास उपाय क्या है, तो हम लोग अलजेब्रिक मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अलजेब्रिक मेथड में क्या होता है, मैं वही आज डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। तो देखिए, द गेम डज नॉट हैव ए सेडल पॉइंट एंड कैन नॉट बी रिड्यूस टू 2 by 2 गेम बाय द डोमिनेंस रूल्स। ना तो इसका सेडल पॉइंट है, ना ही डोमिनेंस रूल से इसको रिड्यूस करके 2 by 2 में कन्वर्ट कर सकते हैं, और ग्राफिकल मेथड भी नहीं यूज कर सकते हैं कि यहाँ पर तो दो रो या दो कॉलम में से कुछ भी नहीं है। तो देयरफॉर वी प्रोसीड टू सॉल्व द गेम बाय अलजेब्रिक मेथड। अब हम लोग इसको अलजेब्रिक मेथड से सॉल्व करेंगे। तो अलजेब्रिक मेथड से सॉल्व करने का तरीका क्या होता है कि हम लोग मान लेते हैं कि इसका जो मिक्स्ड स्ट्रेटजी है, इसमें से इसका चूज करने का प्रोबेबिलिटी x1 है फर्स्ट स्ट्रेटजी को, सेकेंड स्ट्रेटजी को चूज करने का x2 है, और थर्ड स्ट्रेटजी को चूज करने का x3 प्रोबेबिलिटी है। इसका प्रोबेबिलिटी मान लेते हैं y1 है, इसका y2 है और इसका y3 है। तो ये मिक्स्ड स्ट्रेटजी हो गया, ये y3 यहाँ पर लिख रहे हैं। तो लेट x1, x2, x3 एंड y1, y2, y3 बी द ऑप्टिमल मिक्स्ड स्ट्रेटजी। ये ऑप्टिमल मिक्स्ड स्ट्रेटजी है ऑफ द टू प्लेयर्स ए एंड बी। ए का भी लिखा हुआ है और बी का भी लिखा हुआ है। एंड वी बी द वैल्यू ऑफ गेम, और इस गेम का जो वैल्यू होगा वो सपोज कर लेते हैं वी जो है वो वैल्यू ऑफ द गेम है। तो प्रोसीडिंग एज यूजुअल वी गेट द फॉलोइंग रिलेशन। अब हम लोग क्या करते हैं, जो यूजुअल तरीका होता है एक्सपेक्टेड गेन निकालने के लिए, एक्सपेक्टेड पे ऑफ निकालने के लिए, वो हम लोग यूज करते हैं। तो एक्सपेक्टेड पे ऑफ कैसे निकलता है, हम लोग ए प्लेयर के लिए पहले एक्सपेक्टेड पे ऑफ निकालते हैं कि ए प्लेयर का एक्सपेक्टेड पे ऑफ क्या होगा यदि बी प्लेयर फर्स्ट स्ट्रेटजी चूज करता है, तो ए को कितना एक्सपेक्टेड पे ऑफ मिलेगा, उसको हम लोग ई वी से भी डिनोट करते हैं। तो एक्सपेक्टेड पे ऑफ क्या होगा यदि बी प्लेयर फर्स्ट स्ट्रेटजी को चूज करता है, तो कैसे निकालते हैं एक्सपेक्टेड पे ऑफ, प्रोबेबिलिटी को पे ऑफ से मल्टीप्लाई कर देते हैं। माइनस वन को x1 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस वन इंटू x1, और प्लस फिर ये 1 को x2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू x2, और फिर यहाँ पर 3 को x3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू x3। तो ये एक्सपेक्टेड पे ऑफ निकल गया, ये प्लेयर ए के लिए निकला है यदि बी प्लेयर फर्स्ट स्ट्रेटजी चूज करता है। और ये जो एक्सपेक्टेड पे ऑफ जो होगा वो निश्चित रूप से ग्रेटर देन इक्वल टू वी होगा, यानी वैल्यू ऑफ द गेम से ज़रूर ये ग्रेटर देन होगा या फिर इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि ए प्लेयर का जो मिनिमम वैल्यू मिलेगा वो भी मिलेगा, यानी कि भी से कम नहीं मिल सकता है। अगर वैल्यू ऑफ द गेम भी है तो ए प्लेयर को जो वैल्यू मिलेगा वो मिनिमम भी मिल सकता है, उससे नहीं कम मिलेगा, क्योंकि वैल्यू ऑफ द गेम भी है। तो इसका एक्सपेक्टेड जो वैल्यू आ रहा है वो या तो भी होगा या भी से बड़ा होगा, सबसे छोटा वैल्यू इसका भी होगा, क्योंकि भी से कम कभी भी ए प्लेयर को नहीं मिलेगा, भी वैल्यू ऑफ द गेम है। इसी तरीके से हम लोग ये ई और भी, ई ऑफ वी लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यही लिखेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि बी प्लेयर जो है वो यदि सेकेंड स्ट्रेटजी चूज करता है तो क्या एक्सपेक्टेड पे ऑफ होगा। तो इसका एक्सपेक्टेड पे ऑफ हो जाएगा 2 इंटू x1 हो जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू x1। उसी तरीके से -2 इंटू x2 हो जाएगा, तो यहाँ पर -2 इंटू x2, और फिर आगे बढ़ेंगे तो आगे बढ़ने पर 4 इंटू x3 हो जाएगा, प्लस 4 इंटू x3। ये भी मिनिमम इसका वैल्यू भी मिलेगा, यानी कि दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू भी। और फिर थर्ड, बी प्लेयर अगर थर्ड स्ट्रेटजी चूज करता है तो एक्सपेक्टेड पे ऑफ क्या होगा, तो 1 इंटू x1 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू x2 हो जाएगा, -3 इंटू x3 हो जाएगा, 2 इंटू x2 -3 इंटू x3, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू भी होगा। तो ये तीन रिलेशन हो गया, ये तीनों को अभी हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे, फिलहाल यहाँ पर रखे हुए हैं।
उसी तरीके से ये बी प्लेयर के लिए निकालते हैं, ये जो हुआ किसके लिए हुआ, प्लेयर ए के लिए हुआ, और फिर बी प्लेयर के लिए निकालते हैं, बी प्लेयर के लिए एक्सपेक्टेड पे ऑफ क्या होगा, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं प्लेयर बी के लिए, तो बी प्लेयर का एक्सपेक्टेड पे ऑफ क्या होगा, यदि ए प्लेयर फर्स्ट स्ट्रेटजी चूज करता है तो बी प्लेयर का एक्सपेक्टेड पे ऑफ होगा माइनस वन को इसके प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस वन इंटू वाई वन प्लस टू इंटू वाई टू, ये फर्स्ट स्ट्रेटजी चूज कर रहा है तो फर्स्ट स्ट्रेटजी के लिए ही हम लोग निकाल रहे हैं बी का एक्सपेक्टेड पे ऑफ, माइनस वन को वाई वन से, टू को वाई टू से और वन को वाई थ्री से, तो प्लस टू इंटू वाई टू और प्लस वन इंटू वाई थ्री आएगा, और ये लेस देन इक्वल टू बी होगा, यानी कि प्लेयर बी जो है उसका मैक्सिमम लॉस जो है वो भी हो सकता है, वैल्यू ऑफ द गेम भी जो है उससे कम लॉस नहीं हो, उससे ज़्यादा लॉस नहीं होगा, तो मैक्सिमम लॉस भी हो सकता है वैल्यू ऑफ द गेम, यानी ये लॉस को ही रिप्रेजेंट करता है, तो ये जो प्लेयर बी का एक्सपेक्टेड वैल्यू आया है वो या तो भी होगा या भी से छोटा होगा, क्योंकि यही मैक्सिमम वैल्यू होगा, मैक्सिमम लॉस यही होगा। इसी तरीके से बी प्लेयर के लिए हम लोग, यदि ए प्लेयर जो है वो सेकेंड स्ट्रेटजी चूज करता है तो बी का पे ऑफ निकाल लेते हैं एक्सपेक्टेड पे ऑफ, तो वन इंटू वाई वन प्लस माइनस टू इंटू वाई टू प्लस टू इंटू वाई थ्री, तो यहाँ हो जाएगा वन इंटू वाई वन माइनस टू इंटू वाई टू प्लस टू इंटू वाई थ्री, और ये भी लेस देन इक्वल टू भी होगा। और फिर थर्ड के लिए भी निकाल लेते हैं, यदि प्लेयर ए थर्ड प्योर स्ट्रेटजी सेलेक्ट करता है तो उस समय कितना एक्सपेक्टेड पे ऑफ होगा, तो थ्री इंटू वाई वन प्लस फोर इंटू वाई टू माइनस थ्री इंटू वाई थ्री, यानी कि थ्री इंटू वाई वन प्लस फोर इंटू वाई टू माइनस थ्री इंटू वाई थ्री, और ये भी लेस देन इक्वल टू भी होगा। तो ये छः इनइक्वालिटीज हो गया, इसको हम लोग पहले लिख लेते हैं उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। तो ये जो मैं यहाँ पर लिखा था वो तीन इनइक्वालिटीज जो यहाँ पर लिख दिया हूँ, और यहाँ जो प्लेयर बी के लिए लिखे थे वो यहाँ पर हम लोग लिख दिए हैं। तो इस तरीके से ये सिक्स इनइक्वालिटीज हो गया, और हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर x1, x2, x3 का वैल्यू निकालना है। यहाँ पर हम लोग को सॉल्व करने का मतलब क्या हुआ कि इस गेम को सॉल्व करना है, मीन्स x1, x2, x3 का वैल्यू और y1, y2, y3 का वैल्यू निकाल लेना है कि क्या प्रोबेबिलिटी होगा इसको चूज करने का, और इस स्ट्रेटजी को चूज करने का क्या प्रोबेबिलिटी होगा, साथ में वैल्यू ऑफ द गेम भी निकालेंगे। तो ऑल्सो अब ज़रा ध्यान दीजिए कि ये जो प्रोबेबिलिटी होता है टोटल प्रोबेबिलिटी वन होता है, तो एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री इज इक्वल टू वन भी होगा। ये नंबर एक सेवन कर देते हैं, सारा का नंबरिंग डाल दिए हैं, क्योंकि ये या तो फर्स्ट स्ट्रेटजी, सेकेंड स्ट्रेटजी और थर्ड स्ट्रेटजी को इस तरीके से एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री प्रोबेबिलिटी से चूज कर रहा है, तो ये तीनों के प्रोबेबिलिटी का सम वन होगा। इसी तरीके से वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री भी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री भी ग्रेटर सॉरी इक्वल टू वन होगा, ये भी वन के बराबर होगा, टोटल प्रोबेबिलिटी वन होता है। फिर आगे कोई भी प्रोबेबिलिटी जो होता है वो नॉन नेगेटिव होता है, यानी कि प्रोबेबिलिटी जो होता है वो जीरो और वन के बीच में ही होता है, तो एक्स वन भी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, एक्स टू भी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, एक्स थ्री भी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, फिर वाई वन वाई टू वाई थ्री ये सभी भी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। तो हम लोग को सॉल्व करने का मतलब है कि एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री और वाई वन वाई टू वाई थ्री का वैल्यू निकालेंगे जो ये सारे कंडीशन को फुलफिल करता हो, इस सभी कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला अगर x1, x2, x3, y1, y2, y3 निकाल देते हैं तो वही सॉल्यूशन ऑफ द गेम हो जाएगा। इसको हम लोग नंबर डाल देते हैं 10। तो अब सॉल्व करने की सॉरी नंबर हो जाएगा 9, यहाँ पर 8 तक हुआ है इसका 9 हो जाएगा। अब ये सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, ये जो ऑप्टिमल स्ट्रेटजी होता है तो ऑप्टिमल स्ट्रेटजी में ये सभी इक्वलिटीज में बदल जाता है, जो इनइक्वलिटीज है वो इक्वलिटीज में बदल जाता है, तो सभी को हम लोग इक्वलिटीज में कन्वर्ट करेंगे उसके बाद फिर हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं आगे कैसे करेंगे। तो अब आगे क्या करते हैं जरा ये समझिए। नाउ वी कंसिडर द इनइक्वलिटीज 1 to 6 एज फॉलोइंग स्ट्रिक्ट इक्वेशंस। क्या कर रहे हैं, ये जो हमारे पास 6 इनइक्वलिटीज आया था ये सारे इनइक्वलिटीज को हम लोग स्ट्रिक्ट इक्वेशन में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, इक्वेशन में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, जहाँ ग्रेटर देन था वहाँ इक्वल टू कर देते हैं, यहाँ लेस देन इक्वल टू था वहाँ पर भी इक्वल टू कर देते हैं। तो क्योंकि ऑप्टिमल स्ट्रेटजी तभी मिलेगा जब ये इनइक्वलिटीज जो है वो इक्वलिटीज में कन्वर्ट हो जाए, तो सभी को हम लोग इक्वलिटीज में कन्वर्ट कर दिए। यहाँ जो इक्वेशन लिखा हुआ था सिर्फ इनइक्वेशन था, इसी को हम लोग वहाँ पर कर दिए हैं इक्वलिटीज में, और अब इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके x1, x2, x3, y1, y2, y3 निकाल लेंगे। तो कैसे सॉल्व करते हैं जरा आप ये देखिए, ये 10 को और 12 को हम लोग देखते हैं, अगर इसको दोनों को ऐड कर दें तो ये कैंसिल हो जाएगा
और ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से x2 निकल जाएगा। तो हम लोग 10 और 12 को ऐड कर रहे हैं, तो 10 12 ऐड करने पर कितना आएगा, माइनस एक्स वन प्लस एक्स वन कैंसिल हो जाएगा, एक्स टू प्लस एक्स टू 3x2 हो जाएगा, और ये भी 3x3 माइनस x3 से कैंसिल हो जाएगा, वो हो जाएगा 2 भी। तो यहाँ से भी x2 का वैल्यू निकल जाएगा, x2 का वैल्यू 2 भी डिवाइडेड बाय 3 आ रहा है, इसको नंबर 16 कर देते हैं। फिर आगे क्या करते हैं, अब ये देखिए तीनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो और क्या कर किया जा सकता है, तो हम लोग इसमें 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और इसमें ऐड कर देते हैं। देखिए 2 टाइम्स ऑफ 10 को हम लोग ऐड कर रहे हैं 11 में, तो यहाँ से देखिए 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे, माइनस 2x1 प्लस 2x1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ प्लस 2x2 माइनस 2x2 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6x3 प्लस 4x3 10x3 हो जाएगा, और यहाँ पर ऐड करेंगे 2v प्लस v यानी 3v हो जाएगा। तो यहाँ से x3 का वैल्यू निकल गया 3v डिवाइडेड बाई 10, और ये नंबर 17 कर देते हैं। अब हम लोग 12 से लिखते हैं, 12 से एक और वैल्यू निकाल लेते हैं, यहाँ पर x2 x3 निकल चुका है, x1 निकाल लेते हैं। तो x1 कैसे निकालेंगे, x1 इक्वल टू हो जाएगा, ये दोनों को आप उधर ले जाइए, तो भी माइनस 2x2 और प्लस 3x3। अब यहाँ पर x2 और x3 का वैल्यू पुट कर देंगे, तो 2 x2 का वैल्यू है 2v डिवाइडेड बाय 3 और 3x3 का वैल्यू है 3v डिवाइडेड बाय 10। तो यहाँ पर आपका LCM आ जाएगा 30 LCM आ जाएगा, तो 30 LCM ले लेते हैं, तो 3v हो जाएगा, सॉरी 30v, तो यहाँ पर 30v हो गया, और माइनस 10 4 जा 40 माइनस 40v, और यहाँ पर फिर आपका आ जाएगा 3, तो 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27 भी हो जाएगा। तो आप देख लीजिए कितना आ रहा है, ये 30 प्लस 27 57 भी में से 40 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो 17v डिवाइडेड बाय 30 आ गया। तो ये निकाल लिए हम लोग, x1 भी निकल गया, ये x1 का वैल्यू निकला है, तो x1 भी निकल चुका है, x2 भी और x3 भी। अब ये x1 x2 x3 का वैल्यू हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे, 7 में पुट कर देते हैं। तो पुटिंग एबव वैल्यूज इन 7 तो हम लोग 7 में पुट करते हैं, तो क्या होगा, वी गेट, क्या मिलेगा जरा देखिए। तो 7 में पुट करते हैं, तो x1 का वैल्यू निकाले हुए, x1 का वैल्यू है 17v डिवाइडेड बाय 30 प्लस x2 का वैल्यू है 2v डिवाइडेड बाय 3 और x3 का वैल्यू है 3v डिवाइडेड बाय 10 और इक्वल टू 1। आप यहां से LCM ले लीजिए 30, तो 30 LCM ले लेते हैं, तो यहां 17v प्लस 10 2 जा 20 प्लस 3 3 जा 9 इक्वल टू 1। तो यहाँ पर ऐड करते हैं, तो ये आ जाएगा 9 प्लस 7 16 और 1 प्लस 1 2 प्लस 2 4 46 डिवाइडेड बाय 30 इक्वल टू 1, यानी कि यहाँ से भी का जो वैल्यू आ रहा है वो 30 डिवाइडेड बाय 46 आ रहा है, तो ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर 15 डिवाइडेड बाय 23 हो गया, तो ये भी निकल गया। और अब जब भी निकल चुका है, तो x1 x2 x3 भी निकल जाएगा, तो x1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, x1 का वैल्यू 17 बाय 30 × v, तो 17 बाय 30 और भी का जो वैल्यू निकला है वो 15 बाय 23 है, तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 17 डिवाइडेड बाय 46 आ रहा है। x2 का भी वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे, तो x2 का वैल्यू यहाँ पर है 2 बाय 3 और भी, तो भी का वैल्यू है 15 डिवाइडेड बाय 23, ये 3 से कैंसिल हो जाएगा 5, यानी कि 10 डिवाइडेड बाय 23। और x3 का भी वैल्यू निकल जाएगा यहाँ से, तो x3 का वैल्यू है 3v डिवाइडेड बाय 10, तो 3 बाय 10 और भी का वैल्यू 15 बाय 23, ये 5 3 जा 15 और 5 2 जा 10, यानी कि यहाँ पर आ रहा है 9 बाय 46। तो ये x1 x2 x3 भी निकल गया और v निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, y1 y2 और y3 निकाल लेंगे। तो y1 y2 y3 कैसे निकालेंगे, फिर यहाँ पर हम लोग इसी तरीके से 13 14 और 15 को सॉल्व कर लेंगे। तो अब क्या हो सकता है, यहाँ पर सॉल्यूशन देखिए, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बताऊँगा। अब हम लोग ये 13 और 14 को ऐड कर देते हैं, तो 13 प्लस 14 ये दोनों को ऐड करने के बाद क्या रिजल्ट होगा आप देखिए। तो माइनस y1 से प्लस y1 कैंसिल हो जाएगा, प्लस 2y2 से माइनस 2y2 कैंसिल हो जाएगा, y3 प्लस 2y3 हो जाएगा 3y3 और यहाँ पर हो जाएगा v प्लस v 2v
और भी का वैल्यू हम लोग निकाले हुए थे, भी का वैल्यू था 15/23। तो यहाँ पर आप 3 उधर डिवाइड कर दीजिए तो Y3 का वैल्यू आ जाएगा 10/23। तो ये Y3 निकल गया। अब आप ये तीन जो इक्वेशन है, ये 3 इक्वेशन को आप सॉल्व करके फिर Y2 और Y1 खुद निकाल सकते हैं। तो Y2 का वैल्यू 6/23 आएगा और Y1 का वैल्यू 7/23। तो हेंस द सॉल्यूशन ऑफ द गेम ऑप्टिमल मिक्स्ड स्ट्रेटजी फॉर प्लेयर ए प्लेयर के लिए कितना आया था, X1 और X2 X3 का जो वैल्यू निकला था वो यहाँ पर पुट कर दिए, यही ऑप्टिमल स्ट्रेटजी हो जाएगा प्लेयर ए के लिए। और बी प्लेयर के लिए क्या हो जाएगा, Y1 का वैल्यू है 7/23, Y2 का है 6/23 और Y3 का है 10/23 एंड द वैल्यू ऑफ द गेम भी इज इक्वल टू 15/23 निकला था। तो इस तरीके से हम लोग ऑप्टिमल स्ट्रेटजी लिख देंगे। तो ये हो गया एक क्वेश्चन गेम थ्योरी का, जिसको हम लोग अल्जेब्रिक मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसा लगा आपको, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो आप एक लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि अपने साथियों को इस वीडियो के द्वारा आप उनका हेल्प कर सकें और कुछ हेल्प मेरा भी हो जाएगा। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।